नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं पीके सर उपस्थित हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हिंदी साहित्य पर आधारित है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आज की वीडियो में है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। तो अष्टयाम के रचयिता हैं, पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है, नाभादास। नाभादास ने अष्टयाम नामक रचना की ग्रंथ लिखा, तो पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता पूछे गए हैं। बैजनाथ सिंह विनोद, बनारसीदास चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, महात्मा मुंशी राम। तो दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है, बैजनाथ सिंह विनोद ने 1954 में द्विवेदी पत्रावली संकलित की थी। तो दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं तीसरा प्रश्न। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित लल्लू लाल। तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, कानपुर से निकलता था ब्राह्मण पत्र, प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक हैं और इन्होंने ब्राह्मण पत्र को सकुशल संपादित करने के लिए भीख तक मांगी थी और ये गा गा कर भीख मांगते थे, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। इस तरह से ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हरिशंकर परसाई, डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चौथे प्रश्न का सी विकल्प सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह किनका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी संस्मरण है। पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है, पथ के साथी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है। पथ के साथी संस्मरण, पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं छठा प्रश्न। दोहा कोष के रचनाकार हैं सबरपा, लुईपा, सरहपा, कंडपा। छठे प्रश्न का सी विकल्प सही है, सरहपा। सरहपा ने दोहा कोष की रचना की है, छठे प्रश्न का सी विकल्प सही है। देखते हैं सातवां प्रश्न। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का पद्मावत कौन सी भाषा में लिखा गया है? ब्रजभाषा, अवधी, फारसी, खड़ी बोली। तो सातवें प्रश्न का बी विकल्प सही है, जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत लिखा है। तुलसीदास ने भी अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है, दोनों की भाषा में फिर भी अंतर है। जायसी का पद्मावत ठेठ अवधि में है जबकि तुलसीदास का रामचरितमानस साहित्यिक अवधि भाषा में लिखा गया है। तो सातवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं आठवां प्रश्न। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद। आठवें प्रश्न का ए विकल्प सही है, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं? घनानंद। लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद हैं, विकल्प ए सही है आठवें प्रश्न का। देखते हैं नौवां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्रकवि के नाम से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रकवि के नाम से सम्मानित किया गया है कौन से कवि को? नौवें प्रश्न का डी विकल्प सही है, मैथिली शरण गुप्त को। नौवें प्रश्न का डी विकल्प सही है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। राष्ट्रकवि के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। नौवें प्रश्न का डी विकल्प सही है। देखते हैं दसवां प्रश्न। नई कविता का प्रारंभ 1938 ईस्वी से 1951 ईस्वी से 1943 ईस्वी से या 1971 ईस्वी से?
तो दसवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। 1951 ईस्वी से नई कविता का प्रारंभ 1951 ईस्वी से माना जाता है। आज की प्रश्नोत्तरी पूर्ण हुई। प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक राधे राधे।